कार में बैठे ये महाशय खुद को काफी होशियार समझ रहे थे। कुछ दिन पहले इन महिला सूबेदार ने इन महाशय का चालान काटा था। ये हमारी रसीद कटवा के ले गए, रसीद कटी रखी और ये भाग गए। तो आज मिले हैं। आज मिले। लेकिन महाशय चालानी कार्रवाई से बचकर भाग गए थे। बताया जा रहा है कि उस दिन इन्होंने ट्रैफिक विभाग की महिला सूबेदार को चैलेंज भी किया था कि चालान काट कर दिखाओ, लेकिन महाशय आज धर लिए गए। और संयोग देखिए, उसी महिला सूबेदार ने इन्हें पकड़ा जो उस दिन भी चालानी कार्रवाई कर रही थीं। फिर क्या था, इस महाशय का चालान कट गया। हालांकि सड़क पर हुए इस मामले की जानकारी अभी आला अफसरों को नहीं है। अधिकारियों ने इस मामले में ट्रैफिक विभाग के TI से जानकारी मांगी है। देखिए, ट्रैफिक की रोज की कार्रवाई होती है, हम शहर के विभिन्न पॉइंट्स पर चेकिंग लगाते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले एक वाहन पर चालान की कार्रवाई की गई हुई, किन्हीं कारणवश वो चालान देने में समर्थ नहीं था, जिससे आज चालान वसूल किया गया। देखिए, इस संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन जो है वो TI ट्रैफिक से मांगा गया है। आज जो पिछला चालान था उसकी वसूली कार्रवाई की गई। पूरा मामला दमोह का है। दरअसल 5 दिन पहले महिला सूबेदार आकांक्षा जोशी गाड़ियों की जांच कर रही थीं और इसी दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने के जुर्म में इस कार चालक पर 500 रुपए का जुर्माना लगा था। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने चालान काटने के बाद उसे रसीद थमाई तो पहले तो वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा था और जैसे ही पुलिस दूसरी गाड़ियों की जांच करने लगी, मौका पाते ही ये साहब वहां से भाग निकले और इस दौरान उसने महिला सूबेदार को पकड़ने के लिए चैलेंज भी दिया। लेकिन इस बार चेकिंग के दौरान जब वो कार दिखी तो आकांक्षा जोशी ने उसे पहचान लिया और फिर क्या था, इनकी लगा दी क्लास और फिर उसकी चालानी कार्रवाई भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।